देखते हैं डैमेज क्या है डीपीएस का। अब M4 वर्सेस डीपीएस देखने लायक होगा ये चीज यहाँ पे। खत्म। तुम हेलो कैसे हो? तो वेलकम दी बैक वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू बस भी के गेम वीडियो पे, जहाँ पे होगी तो आपके स्नाइपिंग, बंदा फंस जाएगा, तुम्हारा भाई फंस जाएगा कहीं बीच जगह पे, बीचों बीच सुनसान जगह पे जहाँ पे बंदे पेलने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या हम लोग बच पाएंगे आगे देखते रहो मेरे ताऊ जी। आते ही बाई से औरत लगती है, एक बंदा पकड़ा, डीबीएस चलाता हूँ मैं, दो बंदे पकड़ लिए। अरे हल्के में, मतलब अभी डीबीएस को तुम्हारे भाई के हाथ में है, भाई के हाथ में तो चलेगी, अभी तबाह के चलेगी। ये देखो ये नल्ला भाग रहा होता है मेरे से बच के, छोटू ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ये क्या, ये रहा बंदू, उठा लीजिए इसने, देता हूँ इसके भी लकड़ा। मेरे गाइस दो ही किल मिली, यहाँ पे एक और बंदा नॉक तो किया था मैंने, उसकी किल आई नहीं शायद से, पता नहीं कहा भग गया वो या आ गई किल, पता नहीं मेरे को पक्का, लेकिन आया से थोड़ा बहुत लूट दापता हूँ। पाइसन प्लस डीबीएस पड़ी है, यही चलाएंगे अभी जो पड़ा है, इसी से काम चलाएंगे गाइस। ये देखो यह आया था सामने से हीरो बनते हुए, सोच रहा था मेरे को यही लकड़ी देगी, यहीं पे पेल देगा, नीचे उतार देगा मेरे को पहले शूट से, लेकिन नहीं छोटू गलत लगा आपको। खैर वटाओ यहाँ पे हील वगैरह पेल देता हूँ मैं, और जो भी यहाँ पे किल थे मैंने सारे उठा लिए, 4 किल हो चुके हैं तुम्हारे भाई के। लेकिन इससे क्या होता है मेरे ताऊ जी, 4 किल ये कुछ नहीं होता, 4 किल से कद्दू कुछ ना हो, 4 की KD भी नहीं होगी 4 किल से। मेरी KD कितनी आजकल मैंने देखा नहीं, मजाक सेट के मजाक सेट की KD देखने का ना जमाना चला गया, अब कुछ ऐसे मायने नहीं रखती ये बातें। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इधर उधर जूझ रहा होता हूँ, यहाँ पे हम लोग वापिस आ चुके हैं रश करने के लिए। बंदे आगे पे पैर ये टेलीपोर्टेशन मार के अंदर आ गया, ये देखो ये कहीं और ही देख के बैठा होता है, हम लोग ये पैर ये टेलीपोर्ट मार के आ गए, इसको पता भी नहीं चला। खैर इसी के साथ डाल दी इसकी भी पेटी, 6 किल, इट्स अ गुड डू माय गाइस, इट्स अ गुड डू, मजा आ गया। खैर वाटा लूट दापता हूँ मैं थोड़ी सी और, 6 ही किल है फिलहाल के लिए। आगे पे बंदे बैठे पड़े हैं, जैसी एक को नॉक दूंगा सीधा अंदर रस कर देंगे मेरे ताऊ जी। ये रहा बंदा, नॉक दिया, पेटी नहीं डल पाई, कोई बात नहीं मेरे टीममेट ने डाल दी। लेकिन वहां पे उसका एक और बंदा बैठा होता है कैंपिंग करके, चुपचाप से बैठा होता है आगे पे, ये मेरे को पता नहीं था ठीक से कहां ये। लेकिन जैसे ये शक्ल दिखा था तुम्हारा भाई, टाइम नहीं लगा था पेटी पहलने में, पेटी पहलते हैं गाइस टाइम से, बिल्कुल बराबर तरीके से पेटी पहलते, 8 किल मैं आ गया। खैर इसी के साथ यहाँ पे लगभग जगह नहीं, अभी तो 10 बंदे बाकी है, जगह कद्दू भी खाली नहीं हुई थी, लेकिन अब बंदे ना आसपास थे नहीं, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन इनको ढूंढना तो पड़ेगा। तो इनको ढूंढते भटकते मैं इधर की ओर चलने लगता हूँ, शिप की ओर, यहीं पे बैठे होंगे, आगे गोली चल रही है। एक नल्ले को मैंने शिप पे पकड़ा और कुछ बंदे यहीं आगे पे बैठे पड़े, अभी देखना ये लोग ऐसी जगह पे छुप के बैठे होते पूछो ना। मैं तो हैरानी हो गया था कि यहाँ पे कोई कैसे बैठा है, छलांग वगैरह फांद के मैं इधर आता हूँ। एक बंदा असल में ऊपर चढ़ रखा है मेरे भाई, यह अलग बंदा, इसको पकड़ा मैंने, इसकी डाल दी पूरी पेटी। वो देखो सामने बिल्कुल छत के छत पे चढ़ रखा है वो, पता नहीं कैसे भाई गया, कैसे वो उधर समझ नहीं पाया मैं तो, मेरे बताऊंगी। लेकिन आज नॉक बराबर दे देते हैं, जैसे भी चढ़ा वो पेल लेंगे उसको, अभी के लिए वो नॉक पड़े उधर पे। यहां से हमको आगे अब रश करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढता हूँ, मेरे को कद्दू पता नहीं चलता वहां पे गया कैसे ये। लेकिन आप बंदा दिखता भी नहीं, फुटी स्टेप भी नहीं आ रहे, मेरे को लगा भाग गया होगा कहीं पे, कहां पे भागा पता नहीं, पता ही नहीं है कहां है बंदा। लेकिन ये देखो एक नहीं दो 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 बैठे, और इसकी पेटी कैसे नहीं डली पता नहीं, मैं पेलता हूं इसको इतना डैमेज, अपने दोनों टीममेट नॉक हो चुके हैं क्योंकि बोर्ड से भी कोई गोली चलाता है। लेकिन तुम्हारा पाई संभाल लेता है, 1v2 करके यहाँ पे जैसे तैसे बच गए। देख रहे हो यहाँ पे कैंपिंग करके बैठे थे, पता ही नहीं है मेरे को कि यहाँ पे कैंपिंग करके बैठे। खैर अभी हटाओ, 12 किल हो गए, अपने दोनों टीममेट को बचा लेता हूँ। अरे तुम्हारा पाई है इधर, मैं डरने की क्या बात है भैया, 2 बंदे ना हो गए, कोई बात नहीं अपने बंदे ना हो, कोई दिक्कत नो, पीला बराबर देते हैं। खैर हटाओ, अभी बोट पे कुछ बंदे और जिन्ना थे, रश कर रहे होते ये लोग इधर से, ये गया अब कर रहा छोटू, रुक जाओ रुक जाओ, ये डालता हूँ इसकी भी पेटी। इसके बाद देखो एक बंदा बाकी था, वो ना भाग जाता है मेरे ख्याल से, तो उससे पंगा नहीं होता, या तो वो भागता या तो मिला नहीं था मेरे को। लेकिन अब वो सब हटाओ,
कहाँ पे गया वो पता नहीं, मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश तो करता हूँ उसको, ये देखो ये सब कारपेट कुरपेटिंग सब कुछ करके मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मेरा कद्दू भी नहीं मिलता, वो मेरे को पता नहीं कहाँ पर ही है। हम लोग लूट दबाते निकल लेते हैं, सीधा हमें लैंडिंग मिलती है यहाँ पर जॉर्ज की, और यहाँ पर फ्लेयर मंगा रखी है, बंदे भी बैठे पड़े हैं, मैं हूँ तैयार लड़ने के लिए। ये बंदा अचानक से आता है पीछे से, फेल गया इसको, आगे और बंदे आ गए, आगे से पूरी टीम आ रही है इनकी, मैं छुपता हूं इधर पे, डैमेज दिया हल्का सा, और देखो पता नहीं कहां कहां से ये लोग गोली गोली चला रहे होते हैं, बिल्कुल भूल भुलैया है यहां पे लड़े हुए, पता है टाइम भी इतना हो गया कि मैं क्या बताऊं। ये जॉर्ज के कंटेनर पे पहले यहीं पे लड़ाई होती थी सिर्फ पुराने दिनों में, लेकिन अब तो यहां पे उतरना सालों साल हो गए कि ऐसे उतर के ढंग से लड़ाओ, यहां पे अब नहीं होती गई लड़ाई, चल दिया वो टाइम। खैर कोई बात नहीं, ये देखो हमने डांसिंग नेट डाला इधर पे, एक बंदा नॉक, पेटी उसकी डाल दी, इसका टीममेट भी आगे ही बैठा था, ये रहा देता हूं मैं झाड़ी के पीछे से, और ये कर दी इसकी भी पेटी पैक, बढ़िया किल हो चुके हैं 16 किल, उतरते ही 16 किल मिल चुके थे, बेहतरीन मजा था, फर्स्ट एड पहलता हूं फटाक से, आगे से गोली चल रही है, अब तुम्हारा भाई उठाएगा स्नैपर, मेरे ताऊ जी अब आएगा मजा, P90 को छोड़ दो, ये बॉट पेलने के बाद P90 की गोली खत्म करने के बाद, बॉट पेलने के बाद मैं उठा लेता हूँ यहाँ से AWM, अब देंगे दबा के फटका, अब होगी पिटाई आप स्नाइपर से, अब होगी स्नैपिंग मेरे गाइस, तो हाँ ये एटैक शूटैक हटा लेता हूँ मैं अपने टीममेट लोग से, जाते देखो कारपेटी करके मैं आ जाता हूँ इधर पे पहाड़ के ऊपर की साइड, क्योंकि स्क्वायर हाउस पे बंदे बैठे पड़े, मैंने बोला यहां से देखूंगा बढ़िया एंगल लूंगा एक तगड़ा सा, और सिर्फ नॉक पेटी मेरे गाइस, ऐसा मैंने सोचा तो था लेकिन नॉक दे दिया, पेटी मेरा कद्दू नहीं डल पाएगी यहां से, बैठ गए वो लोग कवर पे, लेकिन कोई टेंशन ना हो सीधा रस करेंगे, कारपेट लेके अपने टीममेट को बैठने बोलता हूं मैं, फटाफट से चल देते, देखो ऊपर के लिए नीले ओके ऊपर के लिए ले लेता हूं मैं, उसके बाद ऐसे पहला शूट से आना पड़ता है गाइस यहां पे, क्या किया जाए, अब सोच रहा था मैं कहां लैंड करूं, फिर मैं नीचे ही लैंड कर गया, और ये रहा बंदा, बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचा मैं, अंदर पेटी डल सकती थी, ये डाली आग, ऐसी आग डाली कि नीचे चल गई आग मेरे ताऊ, चार मुझ के नीचे आग डाली गई ताकि मुश्किल हो मैच, थोड़ी और परेशानी हो, दिक्कत आए, कठिन हो जाए मैच, कि भैया ये क्या हो रहा है, आगे बंदे पे डीपीएस पड़ी, अब देखते कितना डैमेज देगी डीपीएस, देखते डैमेज क्या है डीपीएस का, अब M4 वर्सेस डीपीएस देखने लायक होगा ये चीज, यहां पे खत्म छोटू, अब नहीं डरता भाई डीपीएस से, मैं तुम्हें बता रहा हूं बगैर नर्फ वाली डीपीएस होती ना मैं अभी ठिला हुआ मिलता यहाँ पे, मजाक सेट के मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी खतरनाक थी बगैर नर्फ वाली डीपीएस, अरे पेल के चल देता है, लेकिन अब छोटू तुम्हारी ये डीपीएस है जो छोटी तुम्हारी ये बचकारी करे ना, इससे नहीं डरता मैं, वो जमाना चला गया कि कोई भी डीपीएस का नल्ला उठा के पेल के चल दे, नो नो टाइम इज गॉन, दैट टाइम गॉन टाइम, नो टाइम इट्स M4 टाइम। खैर हटाओ मैं पहुंचता हूँ छत पे पेला देने के लिए, शिप पे बंदे बैठे तो थे लेकिन दिखाई नहीं देते मेरे को, ये स्कोप वगैरह खोल के जब देखता हूँ दिखता नहीं, ये दिखता है मेरे को, एक टायर फोड़ दिया था पेलने वाला था मैं उसको, लेकिन उतरे भाई ये देखो इसको, अरे यहाँ पे छोटू बिग डैडी पे हमला करोगे, हाँ ऊपर से छुप के अच्छा खासा मैं बिलो बगे की करेगी वाले को पेलने वाला था, ये पीछे से डीपी चला लगता है, देता हूँ इसके भी लकड़ा 20 किल, इसको पेलते ही हो जाते हैं 20 किल और 20 बंदे लाइफ मेरे गाइस, 3 अगर तुम माइनस करोगे इसमें, ये कैलकुलेशन है मेरे भाई, ये छोड़ो। खैर बेटा वापिस से अंधारस मेरा चालू है, इधर की ओर आता हूँ, असल में देखो ये रिकॉल पे बंदे बैठे थे, यहाँ से थोड़ी स्नैपिंग हो जाए मेरे गाइस, यहाँ से थोड़ी बढ़िया सी स्नैपिंग हो जाए, यहाँ उतरता हूँ, वो बंदा छत पे चढ़ा बैठा है, ये रहा तो हाँ इसके भी लकड़ा देता हूँ, पीक नहीं करना चाहिए था इसको, लेकिन उसको क्या पता मेरे पे बड़ा असला पड़ा है, बड़ा बारूद पड़ा है मेरे पे, बिग डैडी AWM पड़ी है, कोई बात नहीं उसकी भी क्या गलती। खैर बताओ 22-21 किल हो चुके थे, बिल्कुल चौड़ पूरी है अभी, मैच बेहतरीन जा रहा है, चौड़ फुल है, यहाँ पे आता हूँ देखो यहाँ पे उतरता हूँ, असल में हम लोग यहाँ पे कारपेट वाले का पीछा करते करते पहुंचे, उसने कारपेट यहीं आगे उतार दिया, मैंने भी बोला मैं भी उतार दूंगा, डरने की क्या बात है, हम लोग पहुंच गए लड़ाई लड़ने, नेट फेंका उसने कुछ, डांसिंग नेट था, बच गया मैं, डांसिंग नेट आजकल ज्यादा उठाते लोग। खैर हटाओ मैं सीधा रस करता हूँ, डांसिंग इसको बाद में कराएंगे, पहले पे लो, एक गया पेटी पैक,
ये इसका टीममेट भी इधर छुप के बैठा पड़ा था, इसकी भी पेटी पैक कर देते हैं। अब जाओ छोटू डांस करो जाके लॉबी पे, वहां पे अच्छा लगेगा, आप पे नच बलिए, वहां पे जाके नच बलिए करो। लेकिन 23 किल उठाते ही लूट दबाता हूँ थोड़ी सी, ज्यादा कुछ जरूरत थी नहीं, अपने पे पड़ा था सामान, असला पड़ रखा था। अब जाता हूँ पहाड़ पे, रो जाओ पहाड़, यहाँ होती है दिक्कतें मेरे भाई, अब चालूंगी दिक्कतें। सीधा यहाँ से जा रहा होता हूँ स्कूल पे, बंदे ये स्प्रे डाल देते हैं, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसको, अरे छोटू रुका, मेरा टीममेट डराने के लिए उस पर सकारे चला देता है, पता नहीं गोली लगी कि नहीं। लेकिन अब मैं इधर उतरता हूँ, एक बंदा इस पेड़ के पीछे आ चुका है, ज्यादा ही चौड़ में आ रहे हैं लोग, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पीछे से मेरे भाई, ये बंदे मेरे को पता भी नहीं चलता कहां से इसने कौन सी स्नाइपर बजाई। लेकिन मैं 10 HP बाकी था गाइस, 5 HP बाकी, फटाक से ये मेडिकेट फेलता हूँ, लगाता हूँ इसको पीछे, और ये अब वापिस चालू मैं। मेरे ख्याल से यही था वो जो वहां से स्नाइपिंग खेल रहा था, देता उसके डंडा कोई फायदा नहीं है गाइस, सिर्फ नॉक ही नॉक होते, इससे बंदे रिवाइव हो जाता है, बेशरम लोग बैठे होते कवर पे। जैसे इसको देख लो स्कूल की सीढ़ी पे लेटा पड़ा है, बेशरम कहीं का, देता उसके भी डंडा, लेकिन वही बात है कोई फायदा नहीं, यहां से मैं कितने ही नॉक निकाल लूं, ये नल्ले लगातार बार बार 100 बार रिवाइव करके बैठे रहेंगे मेरे गाइस, 100 बार। गाड़ी आई, गाड़ी फोड़, गड्डी आ गई। ये पूरी गाड़ी पेल देते, सीधा किल मिल गई, 1 किल मिल गई पूरी। ये देता हूं इसको, अब ये बॉडी शॉट पड़ता है और ये फिर से मेरे को गोली पड़ गई। ये नल्ले बेशरम लोग पीछे जो छुपके चला रहे हैं, इनको देना पड़ेगा गाइस डंडा, ये बहुत देर से छुपके चला रहे हैं। हील मारता हूं, ये बंदा नॉक हो गया जो उनसे आगे जो बंदा था, 1 किल फीट पड़ो, ये पेड़ वाला बंदा नॉक हो गया। पेन किलर खाऊंगा और जैसी बंदा दिखेगा पेटी पहलना चालू मेरे गाइस। ये ले छोटू हेडशॉट पहले नहीं मारा ताकि ये जोन से नॉक हो सके गाइस, उसके बाद मैं हेडशॉट मार दूं। ये आदत हो गई अब तो हेडशॉट की, जानबूझ के नहीं मारता हेडशॉट जब नहीं लगता, सो जानबूझ के छोड़ देता हूँ कभी कभी हेडशॉट ताकि जा जी ले जिंदगी मजे कर। लेकिन अब वो सब हटाओ, यहाँ पे वापस से ये बंदा दिखता है, जा जी ले मजे कर नहीं मारा, लेकिन मैंने दिया था उसको मौका भागने का, लेकिन वो M4 के चपेटे में आ जाता है। छोटू थोड़ा तेज भागा करो, अगली बार से तेज भागना, क्या पता बच जाओ। लेकिन हाँ उसका भी कोई फायदा नहीं, उसकी भी पेटी नहीं मिली गाइस मेरे को। यहां से हर तरफ नॉक नूक में निकाल रहा हूं, पेटी एक ही मिली है, एक ही किल मिली है, इट्स अ बैड डिप। लेकिन कोई बात नहीं, यहां से देखता हूं इधर उधर झूलता हूं, आओ चले आगे रस्से गेम प्ले डालने के लिए। जोन आने वाला है गाइस, जोन के लिए घुसना पड़ेगा अपने को, और ये रस्ते पे देखो ये भग रहे स्कूल वाले बंदे, ऐसे इन्होंने पूरी जिंदगी कैंपिंग डाली स्कूल पे, आखिर पे भागते हुए फिर जाते हैं। खैर देता हूं इसके एक लकड़ा, यहां पे आता हूं, देखो मैं ना ऊपर में रुक गया, किल चाहिए भाई, बहुत हो गया नॉक नॉक, किल चाहिए, ऊपर में रोक दो गाड़ी को। ये हो गया पेटी एक की पैक, शैक के अंदर बंदा, बंदा शैक के अंदर बैठा पड़ा, इसको लग रहा है ये सेफ है, जो कि इसको बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सेफ है वो। लेकिन अब जो ना गया, अब उसको आना पड़ेगा, जब तक अंदर था सेफ है मेरे ताऊजी, क्योंकि मैं रुका नहीं उधर, लेकिन मैं इधर रुक जाता हूं। एक नहीं किल फीट पड़ो, दो नॉक गड्डी पे दो थे, यहां पे एक की पेटी डाल दी, आगे बंदा ये इनको संभाल लेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत अब हो जाती है जब पीछे से हमला होता है मेरे ताऊ जी, दिक्कत ये हो जाती है, ये बंदे जोन के बाहर थे, इनसे लड़ रहा था, आगे घर वाला बंदा था उनसे लड़ जाता, कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत तब हो गई जब ये चुपचाप से ग्रोजा लेके आता है, नल्ला पता नहीं कहाँ से लाया, बेशरम दबा के पेल गया। अब बस मैं बस कह रहा हूँ कि भैया एक बार रिवाइव हो जाओ, वेस्ट भी खत्म हो चुकी है गाइस, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये नहीं है ऊपर पे खड़ा हुआ, अरे संभाल लेगा तुम्हारा ओपन पे, वेस्ट ना है, ये दिक्कत है, दो गोली में नॉक हो जाऊंगा किसी भी चीज की। खैर वो अभी देखो ये पोर्टल लगा दो, ये ठीक से लग जाए, बस ठीक से लग जाता है, गनीमत है, मैं भागता हूं अंदर पे, देख रहे हो ओपन पे रहना, इट्स नो दिक्कत मैं गाइस, यहां दिक्कत होगी अब बगैर वेस्ट के। अब एक बंदा देखो जो स्प्रे वगैरह दे रहा था, इसके अंदर बैठा है, काफी ढीठ और बेशरम, पता नहीं कहां पे बैठा पड़ा, ये निकलता ही नहीं, गेम बर्बाद करेगा ये, मेरा भी अपना भी, इसका तो बर्बाद है ही क्योंकि मैं खड़ा हो गया इधर, मैं इसका मैं तो होने नहीं दूंगा। लेकिन
बस ये मेरा बर्बाद ना कर दे, इसके चक्कर में हम लोग लेट तो हो गए गाइस, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पोर्टल डाल दो फटाफट से, ये देखो अंधा पोर्टल डाला और बेहतरीन पोजीशन, वेरी नाइस। दिक्कत बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वही है, नो वेस्ट, बहुत बड़ी दिक्कत गाइस, बहुत ज्यादा बड़ी, खासकर आखिरी सर्कल में सारे बंदों पे वेस्ट वूस लेवल 3 आर्मर रूमर पड़ा होगा, तुम्हारा पाई नंगा लड़ रहा है इधर पे और मेरा टीममेट तो मतलब मजाक से हटके सही में नंगा हो गया साला, ओए साला तू नंगा क्यों हो गया इधर, नंगा हो चुका है बिल्कुल ही। लेकिन आगे बंदा एक, ये रहा, मेरे को नहीं पता कैसे नौकरी हुआ वो, मजाक से हटके मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नॉक हुआ हूं क्योंकि भैया नो वेस्ट पूरा डैमेज में उसे दे चुका था, बिल्कुल कोई आधा एचपी बचा होगा, वो एक गोली और लगनी थी, मैं पहले नॉक हो जाता हूं। वेस्ट ही नो है मेरे गाइस, वेस्ट ही नो है तुम्हारे भाई पे, क्या किया जाए। अब देखो नेट आता है, मेरे को लगा ही था मैं थोड़ा और आगे जाता, वो सांप बन रखा है पकड़ लेता, लेकिन मेरे को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था। खैर मेरा टीममेट हील भी कर लेता है, रिवाइव भी हो जाऊंगा मैं शायद से, होपफुली इस बार रिवाइव होगा तो खत्म है खेल, इस बार कर देंगे। नेड अंधे हुए जा रहे, कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत हो गई। अब मेरा टीममेट एक को पेल देता है, ये देखो भाई ने डाल दी पेटी, लेकिन अब जो मेरे टीममेट ने यहाँ पे गोबर किया, अरे मेरे ताऊजी में तो पागल हो गया था, ये देखो जरा भाई साहब। तो हाँ हमारे भाई ने पहली 4 गोली क्या कहते हैं जमीन पे मार दी, साले जमीन को नॉक करेगा क्या, नॉक फिनिश करेगा जमीन को। उसके बाद जब तक भाई खड़े होके गोली चलाते हो चुका था, गड़बड़ हो चुकी, लग रहा क्या कर सकते हैं। खैर आज की जरूरत है गाइस, लाइक ठोकते जाना, कल मिलते हैं, बाय बाय।